प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अवार्ड आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अलख निरंजन यह नाथ पंथियों का एक प्रचलित जयघोष है। अंजन से तात्पर्य अज्ञान से लिया जाता है। अज्ञान का नष्ट होना यानी निरंजन होना, इसलिए निरंजन का अर्थ है अज्ञान की कालिमा से मुक्त होकर ज्ञान में प्रवेश करना। लक्ष्य का तात्पर्य देख पाने की शक्ति से है। अलक्ष यानी ऐसा जिसे हम सामान्य नेत्रों से देख ही न पाए, सामान्य बुद्धि जिसे समझ ही न पाए। वो इतना चमकीला, इतना तेजस्वी है कि उसे देख पाना सहज संभव नहीं है। अलक्ष शब्द का अपभ्रंश है अलख, तो अलख निरंजन का भाव हुआ। ज्ञान का ऐसा प्रकाशमान तेज जिसे देख पाना संभव न होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। अघोर पंथियों के अनुसार अलग का अर्थ होता है जगाना या पुकारना और निरंजन का अर्थ होता है अनंत काल का स्वामी। अर्थात अलग निरंजन का घोष करके वे कहते हैं, हे अनंत काल के स्वामी जागो, देखो हम पुकार रहे हैं। अलग का अर्थ है अगोचर, जो देखा न जा सके। निरंजन परमात्मा को कहते हैं। अलग निरंजन का अर्थ यह भी हुआ परमात्मा जिन्हें देखा न जा सके पर सब जगह व्याप्त है। अलग का मतलब है जानो, पहचानो उस निरंजन यानी दिव्य स्वरूप को जो कि आत्मा का असली स्वरूप है। मैं जीव हूँ या कोई विशिष्ट व्यक्ति हूँ, इस धारणा का त्याग करके अपने शरीर, उसकी वासनाएं, उसके मोह, इन सब का त्याग करके इस माया से बाहर निकलो और अंदर झांक के देखो। यह हमारे अंदर का जो निरंजन स्वरूप आत्मा है, उसकी दिव्यता, उसका तेज, उसकी सर्वव्यापकता का तुम अनुभव करो। अलख निरंजन ईश्वर को स्मरण करने के शब्द है। अलग का आशय होता आग की लौर और निरंजन का मतलब होता है सत्य, अर्थात सत्य की लौ हमेशा जलती रहे। साधु संत जहां तपस्या करते हैं वहां हमेशा एक धूनी जलाए रहते हैं जिसे अलग कहा जाता है और आशीर्वाद देते समय भी बोलते हैं अलग निरंजन, अर्थात सत्य हमेशा जीवित रहे, सत्य हमेशा विजयी रहे। दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई है। इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।